हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। यही देखेंगे हम आज की रीडिंग में कि जो अच्छा बन के दिखा रहा है बट पीछे आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है या पॉलिटिक्स रच रहा है, आपके खिलाफ राजनीति कर रहा है। तो इस कार्ड का मैंने स्पेशली निकाला है क्योंकि आज का ये टॉपिक ही है हमारा, तो क्यों ना ये आपके सामने ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको ऐसे रख दूँ, या दैट्स बेटर, आई होप दिख रहा होगा। ओके, सो देख लेते हैं। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। देख लेते हैं भाई कौन कर रहा है आपके साथ राजनीति। और गाइज, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। या फिर आपको अगर क्रिस्टल्स लेने हैं, क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स चंबल, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और चैनल पे नए आए हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बॉटम ऑफ डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो कौन है वह इंसान जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है या पीछे राजनीति करने का ट्राई कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो सही नहीं है। गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो पर्सन है इसके साथ आपका कुछ फाइनेंशियली लेन देन है, इसके साथ ना कुछ बिजनेस पार्टनरशिप है या इसके साथ मिलके आप काम करते हो। तो बेसिकली मैं कहूँ तो इससे कुछ पैसे का लेन देन है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे पैसा लिया हो, वो चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना ये पर्सन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स रच रहा है या कर रहा है, वो भी ऑनलाइन। ये मे भी ऐसा हो सकता है कि ये ना लोगों के साथ मिलके फ़ोन कॉल्स या चैट वगैरह पे ना आपके लिए जहर उगल रहा है या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है कि आपके सामने ये बहुत मीठा है, बहुत स्वीट है। जैसे कि देख सकते हो आप कि फ्रंट पे कैसा है, ये एक नकाब ओढ़े है, असलियत इसकी कुछ और है। ये आपको डसने के लिए ही बैठा है, आपको खाने के लिए जहर उगल रहा है। ये जहर उगल रहा है इंसान, ये आपके साथ काम करने वाले लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, उनको बहका रहा है, बलगा रहा है कि भाई इसके साथ काम मत करो। आपके खिलाफ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलना जिससे कि वो इंसान आपको छोड़ के इनके साथ पार्टनरशिप कर ले या इनके कहे हुए इंसान के साथ पार्टनरशिप कर ले। ये दिखने में अगर लड़की है तो बहुत सुंदर होगी और बहुत जल्दी लोग इसकी बातों में आ जाते होंगे, बहुत अच्छे से ये मैनिपुलेट करना जानती होगी, दिमाग से बहुत तेज़ होगी, बहुत शार्प माइंडेड होगी और दिखने में बहुत खूबसूरत होगी। अगर लड़का भी है तो अच्छी खासी हाइट है और आपके साथ काम से रिलेटेड मुझे लग रहा है, काम या पैसा, यही दो चीज़ें मुझे लग रही हैं जिसकी वजह से आपके खिलाफ पॉलिटिक्स की जा रही है या मैं कहूँ पॉलिटिक्स ये कर रहा है इंसान। ओके, साथ ही मुझे ऐसा लगता है ना इस पर्सन को ना कहीं आपके ड्रेसिंग स्टाइल से और आपकी पर्सनालिटी से, आप जिस तरीके से दिखते हैं, जैसे भी आप दिखते हैं, इसे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जलन है, इसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आपके फ्रेंड पे ऐसा बन के दिखाता होगा कि आप इसके बेस्ट फ्रेंड हो, ये आपको बहुत प्यार करता है या करती है,
और ये हमेशा आपका भला चाहता है, ये हर चीज़ में आपके साथ है। बट ऐसा नहीं है, जिस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, लोगों को गाइडेंस देते हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका कंसल्टेंसी का काम हुआ, ऐसा भी हो सकता है, बैंक में जॉब करते हो, ऐसा हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, या फिर मैं कहूँ या फिर आप किसी एनजीओ वगैरह में काम करते हैं। तो बेसिकली आपकी जय जय होती है, आपको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, या लोगों को आपका नेचर बहुत पसंद आता है क्योंकि आप बहुत केयर फ्री पर्सन हो। एंड वो चीज़ें इस इंसान को पसंद नहीं आती हैं, वो चीज़ें इस इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसान चाहता है कि बस मुझे अटेंशन मिले, सब मेरे चारों तरफ घूमे, कोई आपसे बात ना करे, आपसे सलाह मशवरा ना करे, सब इनको अटेंशन दे, इनको प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम है, बहुत सुंदर हैं अगर लड़की हैं तो, और लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बट अंदर से ये बहुत काले हैं। अगर आप देखोगे ना फेस भी देखो, कितना अच्छा है, कितना प्यारा सा है, बट उसकी पीठ पीछे का जो फेस है वो अलग ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मीठा बोलना है, बहुत अच्छे से लोगों से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, बट पीठ पीछे, जैसी पीठ मुड़ी और ये बुराइयां करना शुरू कर दे, वैसे व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। ये भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो काम है वो सारा ऑनलाइन होता है और सेम फील्ड के हो सकते हैं आप, ऑब्वियसली बात है सेम फील्ड के मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि साथ में काम करने वाले हैं, अलग फील्ड के भी हो सकते हैं, बट सेम फील्ड वाली वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं। तो लोगों की अटेंशन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, लोगों की नज़र में आपकी इमेज बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये उस इमेज को ख़राब करके अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, और इसलिए जिनके साथ आपका कॉन्टैक्ट है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में अगर ये पर्सन है इन केस, तो ये आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ना ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ना जुड़ने का ट्राई करते हैं, एंड फिर आपकी कुछ ना कुछ ऐसी बात पकड़ के बोल देते हैं जिस पे वो इंसान कुछ ना कुछ बोले, एंड उसके पक्षपात में ना ये आपकी बुराइयां करते हैं कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, इतनी तमीज़ नहीं है, ऐसे करते हैं, बस मतलब बेसिकली ना आपके लिए जहर उगलना वो काम है, पीठ पीछे जहर उगलना है ताकि इमेज आपकी गिर जाए, और ये इस तरीके से मैनिपुलेट करते होंगे, इतना बेहतर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से करते होंगे कि लोग उन चीज़ों को ना सच में मान लेते हैं, सच में बिलीव कर लेते हैं उन चीज़ों पे कि जो ये बोल रहा है ना व्यक्ति वो सच है। और आप जब उनके सामने जाते होंगे ना तो वो शायद उतना घुलते मिलते नहीं है, या घुलते मिलते तो है बट अंदर से ना वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहे हैं इसी वजह से, और ये चीज़ आपको समझ नहीं आती होगी, आपको ये फील होता होगा कि भाई ये क्या हो रहा है कि मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपको वो रूखापन ना महसूस होता होगा कि भाई मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ या ये भी अच्छे से बात कर रहे, तो एकदम से ऐसी क्या चीज़ें हो गई जो ये इतना सूखा सूखा मुझसे बिहेव कर रहे हैं, सूखा सूखा मेरे से बात कर रहे हैं, मतलब दिल से बात नहीं कर रहे, जस्ट हाय हेलो हाँ ठीक है। मतलब अगर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं आपके तो ये वो चीज़, वो क्वालिटी ख़राब कर रहा है जो पहले आपकी रिलेशनशिप की रही है, और इसे ये चीज़ ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपके पहनावे को लेके, आपके नेचर को लेके, आपकी एजुकेशन को लेके, आप कैसे आप डिसीज़न लेते हैं उन चीज़ों को लेके ज़्यादा बात करते मुझे दिख रहे हैं, या उसी चीज़ को लेके ना ये जहर उगलते ज़्यादा दिखते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ना आपके माइंडसेट के ऊपर भी बोलते हैं कि जिस तरीके से आप अभी तक चीज़ें कर रहे थे, देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, अब आप काम उल्टे उल्टे तरीके से करते हो। मतलब बेसिकली इन्हें सिर्फ जहर उगलना है आपके खिलाफ़, और यही राजनीति हो रही है, और ये भी राजनीति ऐसी नहीं है कि भाई मिलके गपशप हो रही है, मिलके बातें हो रही हैं, नहीं। ऑनलाइन ये इंसान ना उन सभी लोगों को फॉलो करता होगा, आप नोटिस कर लीजिएगा, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं। भले ही इस इंसान का अगर ये फैमिली फ्रेंड्स में नहीं है, ये ऑफिस का है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि ये इंसान ना आपके फैमिली या फ्रेंड्स में ना मैं कहूँ घुसने का ट्राई करेगा। लाइक कि जो फ्रेंड्स हैं
सोशल मीडिया पे आपकी फैमिली भी है, आपके फ्रेंड्स भी है। अगर ये फ्रेंड का फ्रेंड है या बिजनेस पार्टनरशिप में है तो ये इंसान ना आपकी फैमिली के जो मेंबर है ना उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी है, इसकी फ्रेंड लिस्ट में भी है, क्यों है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखेंगी क्योंकि इसको बहुत शौक़ है, इसको बहुत शौक़ है कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये एंट्री ले, आपकी पर्सनल लाइफ में इसको इंटरफेयर करने का बहुत शौक़ है। एंड कहीं ना कहीं आपकी इमेज गिराना, आपको गिराना इसका मकसद भी है, ये चीज़ भी मैं कह सकती हूँ। ये बहुत सारे हैं तो मैं नहीं लूँगी। और ये इंसान की एक और चीज़ हो सकती है ख़ास बात कि ये ज़ुबान का बहुत मीठा होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा आपके लिए जहर उगलेगा, क्योंकि इस इंसान का ना मैं कह सकती हूँ कि जब भी ये मिलता होगा आपके फैमिली फ्रेंड्स में, कोई फंक्शन है वहाँ मिला, तो हमेशा आप इसको बहुत खुश मिजाज और एकदम अच्छी स्माइल वाला पर्सन जो हर किसी के साथ दिल खोल के मिलता है, दिल खोल कर बात करता है, हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाता है, जो बहुत खुले दिल का, इस तरीके से आपको फील होगा। बट कभी ना कभी और किसी ना किसी तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, जो एक तो मैंने आपको बोला कि फ्रेंड लिस्ट के थ्रू भी हो सकता है कि आप ये चीज़ नोटिस करो कि आपके फैमिली फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है सोशल मीडिया पे, वो इस पर्सन के साथ हैं। तब आपको ये चीज़ लगेगी कि भाई ये कैसे इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गए, तब इनका असली चेहरा सामने आएगा। ओके, एडवेंचर, ओके। इसका नेचर की बात करो, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा या ये बन के दिखाता है आपको, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कॉपी करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी इन्फ्लुएंस में है। और कहीं ना कहीं इसको ये है कि भाई मुझे आप जैसा बनना है या आप जैसी रेपुटेशन चाहिए, आप जैसी मैं कहूँ सक्सेस चाहिए, इस पर्सन को ये चीज़ है। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनना एंड उनकी गुड लिस्ट में आने का ये बहुत ज़्यादा ट्राई करता होगा। ये दिखाता कुछ है और है कुछ, लाइक लोगों के सामने ये प्रिटेंड करके दिखाता होगा कि बहुत गिवन नेचर का है, बहुत शेयरिंग नेचर का पर्सन है, बट एक्चुअल में ये है नहीं। एक्चुअल में इसे ये रहता है कि भाई मुझसे दूर रहो, मेरे पैसे से दूर रहो, एंड बस इसे पॉलिटिक्स खेलना है, वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं आपको दबाना चाहता है, आपको अलग करना चाहता है किसी चीज़ में, या ये किसी चीज़ में आपको अलग करना चाहता है। अगर पार्टनरशिप है, तीन जने पार्टनर हैं एक साथ, तो ये कहीं ना कहीं आपको ना दूर करना चाहता है, वो चीज़ है। बट आपके लिए यही गाइडेंस है, एवरीथिंग इज़ फाइन। या गाइस, एक चीज़ जो मैंने आपको कही थी वो क्लियर होती दिख रही है। मैंने आपको बोला था कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये चीज़ पता चले कि भाई ये आपके फैमिली फ्रेंड्स की फ्रेंड लिस्ट में भी पर्सन है, वो चीज़ क्लियर होती दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में आपको समझ आएगा जब चीज़ें ख़राब होने लगेगी, जब रिलेशनशिप ख़राब होने लगेंगे। फाइव ऑफ कप्स देख लीजिए, ये ना चीज़ तब आपके सामने आएगी, आपको तब फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपने बहुत लाइटली लिया हो, मे बी आपको ये चीज़ पता हो और आपने बहुत लाइटली लिया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें तब आपके सामने आएगी कि भाई यही आस्तीन का सांप है, यही जहर उगल रहा है, जब आपके रिश्ते ख़राब होने लग जाएंगे, जब आपके साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। टेम्परेंस है बॉटम ऑफ डेक, जब आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि जो पार्टनरशिप है वो टूटने लगे, फैमिली फ्रेंड्स में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, रिश्ते ख़राब होने लगेंगे, अच्छे बुरे रिश्ते आपसे छूटने लगेंगे, तब आपको इस इंसान का रियल फेस नज़र आएगा।
तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में ये इंसान है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये इंसान है जो राजनीति कर रहा है, ये इंसान है जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, ये इंसान है जो बहुत मीठा बन रहा था और मीठा बनते बनते इसने मेरे घर को ही लूट लिया या मेरे घर को ही ख़राब कर दिया, मेरे करियर को ख़राब कर दिया, मेरी पार्टनरशिप को ख़राब कर दिया, तब इसका असली चेहरा आएगा। और ये दिखने में बहुत हैंडसम सा होगा, इसकी पर्सनैलिटी, इसका ऑरा, लाइक क्या कहने, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम सा पर्सन होगा। एंड बाय नेचर भी ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, ऐसा पर्सन बन के दिखाएगा कि बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करता है, लविंग है, मतलब ओवरऑल आपको पैकेज लगेगा ये पर्सन। बट जब आप इसकी रियलिटी देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफ चीज़ें ख़राब कर रहा है, ये आपके खिलाफ़ जहर उगल रहा है, और इसका काम बस यही है कि डसना है, चीज़ें बिगाड़नी है, रिलेशनशिप बिगाड़ना है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें छीनना है। और फ़ोन के थ्रू जो मैंने आपको बोला था ना, ऑनलाइन चीज़ें होंगी, वो ऑनलाइन ही आपको पता चलेगा कि जब ये आपके फैमिली फ्रेंड्स की लिस्ट में होगा, जब उनसे बातें करेगा, जब भी कुछ करेगा ना, तभी आपको इसका रियल फेस दिखेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मैजिशियन से मैं यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है या गाइस, मुझे यही दिख रहा है। अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ, 12 21 और 5 9 और यहाँ पे मुझे एक दिख रही है, 10 8 2 4 3 हो सकती है और यहाँ पे 14 भी हो सकती है, यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून और यहाँ पे अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर वो रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए, या फायर साइन भी है, या एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है और अर्थ साइन भी है, तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं। स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइज, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय।